हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबिनार ऑन करियर इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम राय यूनिवर्सिटी। आई वुड लाइक टू थैंक राय यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट सच अ बिग ऑडियंस। आई वुड लाइक टू शेयर सम वर्ड्स अबाउट राय यूनिवर्सिटी। राय यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू इंक्लूजन एंड इनोवेशन इन एजुकेशन थ्रू फिलॉन्थ्रफी एंड पायनियरिंग इनिशिएटिव्स। राय यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय गुजरात स्टेट लेजिस्लेचर अंडर Gujarat Act number 12 of 2012. Rai University provides world-class education and empowering opportunities for all sections of society. We are especially attentive to the needs of underprivileged. Rai University has various schools like Rai Business School, School of Engineering and Applied Sciences, School of Pharmacy, School of Life Sciences, School of Law, School of Art and Science and Commerce, School of Agriculture and Center for Research and Development. I am Abhishek Singh Thakur, Assistant Professor, Digital Marketing Head at Rai Business School, Rai University. तो चलिए हम शुरू करते हैं इस बेहतरीन वेबिनार को, जिसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, इस वेबिनार को मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि मोस्टली उन क्वेश्चंस को कंसीडर किया गया है जो कि जनरली स्टूडेंट्स द्वारा पूछे जाते हैं और उनकी जो क्वेरीज होती है मन में करियर रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर बनाना है तो। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखना चाहूंगा, कुछ फिगर्स रखना चाहूंगा, कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश में आज की तारीख में 70 करोड़ इंटरनेट यूजर है, 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स आर देयर इन इंडिया राइट नाउ एंड मोर आर गोइंग टू कम, डेफिनेटली मोर आर गोइंग टू कम। ओके, दीज आर द फैक्ट्स विच आई एम टेलिंग यू विच विल बी इम्पैक्टिंग द फ्यूचर एंड करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, सो बी कंसंट्रेट हियर। चीपर इंटरनेट फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ जियो वी आर गेटिंग वेरी गुड एंड चीप इंटरनेट फैसिलिटी। चीप स्मार्टफोन, हमारे देश में बहुत सस्ते और बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। मोर देन 3 आवर्स पर डे स्क्रीन टाइम, पीपल आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स विद इंटरनेट मोर देन 3 आवर्स पर डे, ये एवरेज है। ये एवरेज है, इसका मतलब बहुत सारे लोग इससे कई गुना ज्यादा भी यूज कर रहे हैं। मोस्टली यूजर्स मोर देन 1 GB ऑफ डेटा पर डे। आपका भी 1.5 GB डेटा होता होगा, जियो के हिसाब से 1 GB डेटा होता होगा, तो मोस्टली लोग जो है वो 1 GB डेटा अपना कंज्यूम करते हैं, मतलब काफी डेटा कंज्यूम होता है डेली बेसिस पे। ओके, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक बहुत कॉमन सी चीज हो गई आजकल जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, वो है सोशल मीडिया यूसेज और एडिक्शन टू सोशल मीडिया। आज के समय में सोशल मीडिया का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली इन इंडिया। और ये जो पेंडेमिक आया था, ये जो कोरोना आया हुआ है, इस दौरान सोशल मीडिया का एडिक्शन भी बढ़ गया है। लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना समय स्पेंड कर रहे हैं। लेट मी शेयर सम फिगर्स अबाउट दिस। 25 करोड़ पीपल आर देयर यूजिंग फेसबुक इन इंडिया, 25 करोड़ पीपल आर देयर हु आर यूजिंग व्हाट्सएप इन इंडिया, 22 crore people around are there who are using YouTube. 10 crores of them are using Instagram. 3.1 crore approx people are using Twitter. And 4.7 crore people are using LinkedIn. मैं आपको एक बार और फिगर्स बताना चाहूंगा। 70 करोड़ लोग जो है इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, 3 घंटे से ज्यादा डेली इंटरनेट यूज होता है, 1 GB से ज्यादा डेटा रोज कंज्यूम हो जाता है मोस्टली लोगों का, 25 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, 25 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, 22 करोड़ लोग यूट्यूब यूज करते हैं, 10 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 3 करोड़ ट्विटर यूज करते हैं, 4 करोड़ लोग लिंक्डइन यूज करते हैं। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। 2019 के सर्वे के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपीज companies have spent on their digital marketing. 16,000 करोड़ रुपए कंपनियों ने खर्च किया था 2019 में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ये पिछले साल का डेटा मैं आपको बता रहा हूं।
इसका एस्टिमेशन जो है वो ये कहता है कि इन 2024, इन द ईयर 54,000 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड दैट इज अ बिग ग्रोथ, राइट? इफ यू कैन फील दिस फिगर, इफ यू कैन फील दिस अमाउंट, 16,000 करोड़ जो पिछले साल था वो अगले 2-4 साल में बढ़ के 54,000 करोड़ होने वाला है। एक और बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है इस मौके पर, वो ये है कि गूगल जो अपना गूगल है, गूगल विल स्पेंड 1,000 करोड़ ऑन डिजिटल इन इंडिया। मतलब वो अलग अलग तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूवमेंट करने में, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने में इंडिया के अंदर 1,000 करोड़ रुपए स्पेंड करने वाला, ये 4 दिन पहले की ही खबर है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग, थिंग्स आर गेटिंग मोर डिजिटल, टाइम स्पेंड ऑन मोबाइल्स आर इंक्रीजिंग, डेटा कंजप्शन इज ग्रोइंग, डेटा प्रोडक्शन इज ग्रोइंग, लोग नया नया कंटेंट बना रहे हैं, लोग रोज नया वीडियोज बना रहे हैं, लोग रोज नई फोटोज जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे फिगर्स हमको क्या बताते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इसका कोई कंक्लूजन आपको नहीं दे रहा। ये जो सारे फिगर्स मैंने आपको बताए, जो इतना सारा डेटा कंज्यूम हो रहा है, जो इतना सारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, जो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग पे, जो इतना सारा एक्सपेंडिचर हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग पे, ये क्या कंक्लूड करता है ये आप खुद कर लीजिए, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। एक मेरा सवाल है आपसे, जॉब्स कितनी है डिजिटल मार्केटिंग में आज की तारीख में, आज अभी इस समय इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कितनी हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। मेरे पास यहाँ मोबाइल है, मोबाइल में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप कमेंट में यस टाइप कीजिए। राइट यस राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो दैट हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ टूडे, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई टूडे, हाउ मेनी जॉब्स आर देयर फॉर लुकिंग फॉर पीपल हु आर एलिजिबल, हु आर कैपेबल फॉर डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ, इफ यू वॉन्ट टू नो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। आई एम लुकिंग हियर हाउ मेनी आर टाइपिंग यस, यस कम ऑन राइट यस टाइप यस। Okay, so guys, let me tell you. Indeed is a job searching portal. Indeed पे अगर आप लिखते हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग और जॉब सर्च करते हैं, अगर आप Indeed पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग और जॉब सर्च करते हैं, तो there are around 10,000 jobs right now today. आज सुबह का डेटा मैं बता रहा हूँ, there are around 10,000 jobs. Okay. Now LinkedIn जो कि प्रोफेशनल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल है बट इट इज मोर अबाउट प्रोफेशनल्स। LinkedIn पे अगर आप जॉब सर्च करते हैं, ढूंढते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, सो यू विल गेट अगेन द डेटा अराउंड 10,000 to 11,000 राइट नाउ टुडे, आज सुबह का डेटा एकदम फ्रेश, 10,000 अराउंड जॉब्स विच आर ऑफर्ड बाय LinkedIn। नाउ Naukri.com विच इज द बिगेस्ट पोर्टल फॉर जॉब सर्च इन इंडिया, Naukri.com के हिसाब से आज की तारीख में देर आर 38,000 jobs are available for digital marketing. How many? 38,000 jobs are available from Naukri.com for digital marketing candidates. Now let's talk about in average. There is another platform that is Monster.com. उसके हिसाब से there are around 50,000 jobs available today about digital marketing. So दोस्तों इससे हमको ये idea लगता है कि jobs बहुत सारी हैं. Okay? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये दोनों चीजें हमको बताती हैं कि इट्स गुड टू लिसन मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इट्स गुड टू थिंक अबाउट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क दिस वन बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? तो दोस्तों व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होता है कि लाइक इफ यू आर हैविंग सम प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट प्रोडक्ट्स, we need to make people interested in our product, we need to make people reach to us to buy our product, we need to close our sale, and then we need to maintain relationship again with the same people for selling another product. तो marketing ये होती है,
अब अगर डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करें तो ये जो सारी प्रोसेस है, इंगेजमेंट ऑफ द कस्टमर, इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट, ट्राइंग टू क्लोज द सेल, मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, इफ यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स बाय यूजिंग डिजिटल मीडियम, एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिजिटल मीडियम इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आप क्या क्या करते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप लिंक्डइन चलाते हैं, आप ट्विटर चलाते हैं, आप गूगल पे डिस्कवरी फीड्स देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, आप फीड्स देखते हैं, उसमें न्यूज़ देखते हैं, इन शॉर्ट्स देखते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर यू आर एंगेज्ड एवरी डे थ्रू अ डिजिटल मीडियम। सो इफ यू आर यूजिंग अ डिजिटल मीडियम टू शेयर मोर अबाउट अवर प्रोडक्ट, टू इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट अवर प्रोडक्ट, अगर ये सारी मार्केटिंग हमको ये डिजिटल मीडियम्स के थ्रू करनी होती है तो दैट कम्स एवरीथिंग कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस, एंड दिस इज वेरी बेसिक थिंग। लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन जो आता है लोगों का वो ये होता है कि व्हाई चूज अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई चूज अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। वैसे आपको ऑलरेडी कुछ रीजंस तो मिल गए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर क्यों चूज करना चाहिए, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इट इज फास्ट पेस्ड। जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में कैसा होता है, प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है लोगों की। वैसे ही कंपेरेटिवली अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, जो सैलरी ग्रोथ है, जो प्रमोशन से काफी फास्ट होते हैं। इट्स एवर चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 10 साल से है तो वो आपसे मतलब वो कुछ बहुत ज्यादा ही जानता होगा। क्यों? बिकॉज एवरी ईयर और 2 ईयर्स देयर आर थिंग्स आर चेंजिंग। चीजें बदल रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में सो फास्ट दैट every fresher is having good opportunity in this sector. Every fresher is having good opportunity in this sector to, because every day something is new. If you learn something new, you are as experienced as the some other one who is already working in the industry for 4-5 years, because the same thing has introduced at the same time with him also and with you also. Now next is it is very versatile field. यहाँ पे इस डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीजें करने का मौका मिलता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग, इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग समथिंग, इट इज अबाउट सो मेनी थिंग्स। ओके, क्रिएटिविटी। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास आप अर्न करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैशन ऑफ लर्निंग है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एंड दोस्तों, इसमें खास बात यह है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, लेट्स से अगर आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आप कोई और रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे या कोई अदर शॉप्स या कुछ स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है, पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। यू नीड जस्ट फ्यू पीपल टू स्टार्ट विद। आपको जरूरी नहीं है कि वो सारे लोगों को आपको एक ही जगह पर रखना। यू कैन मेक देम वर्क एट देयर होम, दे कैन वर्क एट देयर होम, यू कैन वर्क एट योर होम, and you can start your agency. You just need a website, जो 4-5 हज़ार के अंदर आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। Just you need to have a good talent, good experience, good command, good confidence, आप अपना business start कर सकते हैं, और investment तो कम है but income बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, you can earn, I can't say how much you can earn, लोगों को मैंने 1 करोड़ रुपये महीने कमाते हुए भी देखा है। 1 करोड़ रुपीज पर मंथ पीपल आर अर्निंग बाय देयर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट मैक्सिमम, इससे भी ज्यादा लोग कमाते हैं एजेंसीज के थ्रू। सो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, डू यू वॉन्ट टू नो द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? इफ यू वॉन्ट टू नो द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन। वट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस पर हमको रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम लुकिंग हियर हु आर कमेंटिंग यस, लेट मी सी हु आर राइटिंग यस। Okay, right. Comment yes in the comment section. What is the future of digital marketing? What is the future of digital marketing? If you want to know, please comment yes in the comment section. Okay, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ समय पहले तक, आज से कुछ सालों पहले तक, कुछ 2-4 साल पहले तक, डिजिटल मार्केटिंग was choice for the business people to do. डिजिटल मार्केटिंग करना एक लोगों का चॉइस था। आज की तारीख में, टुडे, डिजिटल मार्केटिंग इज देयर मजबूरी। आज उनको डिजिटल मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उनका ट्रेडिशनल मार्केटिंग पैटर्न था वो हो ही नहीं पा रहा है। आप पैंडेमिक की सिचुएशन समझ रहे हैं, लोग ज्यादा जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई नया लॉन्च है उसके बारे में अगर आपको बताना है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के सभी गाँव में, अगर आपको बताना है, आप कैसे बताओगे? आप होर्डिंग नहीं लगा सकते अभी कहीं पर भी जाके, ठीक है। अगर होर्डिंग्स लग भी पा रही हैं तो उतना ज्यादा
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रही और होर्डिंग्स बहुत कॉस्टली होती है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। आपकी जो टीम थी, जो आपकी मार्केटिंग टीम थी, जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग टीम थी, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रही सिटी में बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग करना लोगों की नीड हो गई, मोस्ट डिजायर्ड नीड, ठीक है। ये लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग करना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ही अभी के समय में ऐसी चीज है जो लोगों तक पहुंच पा रही है, ठीक है। आप बाकी ट्रेडिशनल वे उतनी आसानी से नहीं पहुंच पा रहे, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यू कैन रीच टू द पीपल, मोर नंबर ऑफ पीपल। तो दोस्तों मीनवाइल ये जो सेशन चल रहा है, इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखते जाएं, हम इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। यू कैन कीप राइटिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कंसीडर देम एट द लास्ट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल फ्रॉम माय साइड। सो यू कैन कीप राइटिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल कंसीडर। ओके मिस्टर अजीज, आई विल कंसीडर ऑल योर क्वेश्चंस एट द लास्ट। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस टू डू इट राइट नाउ, राइट टूडे। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग, देर आर सम मोर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज वन इज इट इज मोस्ट अफोर्डेबल। दोस्तों अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग की बात करें, अगर आपको कोई होर्डिंग लगवाना है बहुत खर्चा लगता है, अगर आपको कोई पैम्पलेट बनवानी है थोड़ा खर्चा तो लगता है, एक आदमी को आपको पैसा देना पड़ेगा, वो कहीं जाएगा पैम्पलेट बांटेगा, ठीक है। अगर आपको और तरीके से मार्केटिंग करवानी है खर्चा लगता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ मात्र ₹50 से आप अपना मार्केटिंग करियर शुरू कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। और एक बहुत ही स्पेसिफिक में बात बताऊँ ना आपको, तो ₹50 में आप 1000 लोगों को अपना एड दिखा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। ₹50 में आप 1000 लोगों को अपना एड दिखा सकते हैं, लेकिन ₹50 में आप फिजिकल मार्केटिंग के थ्रू 1000 लोगों तक पहुंचना बहुत टफ है। सो प्रॉब्लम इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बहुत ही स्मॉल लेवल बिजनेसमैन से लेकर मिडिल क्लास बिजनेस लेवल तक ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, उनकी रीच के अंदर है डिजिटल मार्केटिंग करना। नेक्स्ट, इट इज वेरी इफेक्टिव। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और आप जो है सीए की कोचिंग कराते हैं, ठीक है, आप सीए की कोचिंग कराते हैं और आपके यहाँ जो बच्चा एडमिशन लेता है, वो जो कौन सा बच्चा है, वो 18 साल का बच्चा है, वो 12वीं पास का बच्चा है, ही इज 12th पास, ही इज जस्ट 18 ईयर ओल्ड, एंड यू वांट टू टेल योर कस्टमर दैट आई एम स्टार्टिंग माय न्यू बैच। ओके नाउ अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इट इज वेरी टफ टू रीच टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, मीन्स राइट पर्टिकुलर परफेक्ट एज एंड परफेक्ट क्लास एंड परफेक्ट पीपल। बट when you try the digital marketing, इस केस में आप फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर एज के बच्चे को ही अपना एड दिखाना है, मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन में ही अपना एड दिखाना है, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे ही अपना एड दिखाना है, मुझे पर्टिकुलर क्रिएटिव जो आपने डिजाइन बनाई है यही वाला एड दिखाना है। अगर आपका 2 घंटे बाद मन करता है कि नहीं यार ये डिजाइन में जो लाल कलर है ये अच्छा नहीं है, मुझे हरे कलर का एड दिखाना है, आप हरे कलर का एड दिखा सकते हो, 2 घंटे बाद आप चेंज कर सकते हो। सो देर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा इट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर, इट इज वेरी फास्ट इम्पैक्ट एंड मोर, यू कैन रीच मोर नंबर ऑफ पीपल वेरी इजली इन वेरी शॉर्ट टाइम बाय डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों एक बिजनेसमैन की नीड है कि पहले तो उसको उसके प्रोडक्ट को उसकी कंपनी को ज्यादा लोग पहचाने, ठीक है। एक फनल होती है, एक बिजनेस फनल होती है, यू नो देयर इज बिजनेस फनल। ज्यादा लोग में जब अवेयरनेस होती है, उसमें से कुछ लोग आपके बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, उसमें से कुछ लोग आपके आपके प्रोडक्ट के बारे में एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसमें से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो इफ यू कैन इंक्रीज अवेयरनेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, योर एक्शंस टेकिंग बाय द पीपल कैन इंक्रीज एंड योर अल्टीमेटली योर परचेज कैन इंक्रीज, एंड दिस इज व्हाट एवरी बिजनेसमैन वांट। अगर आप किसी बिजनेसमैन की नीड, उसकी डिजायर पूरी कर सकते हो, तो क्या वो आपको नहीं रखना चाहेगा, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाना चाहेगा? भाई डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट मोस्ट डिजायर्ड थिंग राइट नाउ टुडे। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी जरूरत है और बहुत बड़ी चाहत भी है हर बिजनेसमैन की, जो अपने 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 कस्टमर्स को ग्रो करना चाहता है, अपने अपने प्रॉफिट को ग्रो करना चाहता है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इंपॉर्टेंट फील अंडर डिजिटल मार्केटिंग। देखिए एक बहुत ही कॉमन टर्म चलती है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन भाई ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये क्या है, हमको थोड़ा कोई तो बताओ क्या क्या कर सकते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या क्या पोजीशंस होती हैं, क्या 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 फील्ड्स होती है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे एमबीए नहीं करते अपन, एमबीए में फाइनेंस होता है, एमबीए में एचआर होता है, वैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होते हैं। सो दोस्तों बेसिकली
हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम कपल ऑफ थिंग्स लाइक वीडियो एंड ऑडियो प्रोडक्शन। वीडियो आपने देखा अभी इंस्टाग्राम पे नया फीचर आया रील, ठीक है, इंस्टाग्राम का नया फीचर आया, अब रील फीचर आया है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, अब धीरे से उस रील में आपको ऐड दिखने लगेगा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम उस ऐड को दिखाने का पैसा लेने लगेगा। तो वीडियोस, वीडियोस एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू किसी का ऐड किसी तक पहुंचता है, बिकॉज पीपल लाइक टू कंज्यूम वीडियो कंटेंट एंड पीपल लाइक टू प्रोड्यूस वीडियो कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोशन। सो वीडियो एंड ऑडियो प्रोडक्शन इज वन ऑफ द फील्ड इन डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए दोस्तों, आज के समय आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब भी YouTube चलाते हैं, GoDaddy का ऐड आता है, ठीक है, GoDaddy का ऐड आता है जिसमें धोनी आता है और बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट बना के आप अपने बिजनेस को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन है, ये सारी जब वेबसाइट बन जाएंगी लोगों की, तो क्या ये गूगल पे टॉप पे आने लगेंगी? मतलब अगर आप सर्च करते हो कि बेस्ट बैंड बाजा इन अहमदाबाद, तो 10,000 लोगों ने अपनी वेबसाइट बना रखी जो कि बैंड बाजा वाले हैं, तो कितने लोगों की वेबसाइट टॉप पे दिखेगी? 10 लोगों की दिखेगी ना, क्योंकि 10 ही रिजल्ट दिखते हैं टॉप पे। तो 10,000 लोगों ने बना रखी है, तो वो जो बाकी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे। चाहते ही हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं, जब भी तो वेबसाइट बनाई भाई, हमारी वेबसाइट पे कोई दिखेगा ही नहीं, कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, तो वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है? तो मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे। अब टॉप पे कैसे दिखेगी? वेबसाइट को टॉप पे दिखाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, SEO जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, SEO करना पड़ता है ना। SEO इस, अब वो कितना इंपॉर्टेंट आप खुद ही समझ लो, ठीक है। दूसरी चीज होती है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि जैसे कि आपने लिखा, आपने गूगल पे लिखा कि बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, आपने गूगल पे लिखा बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, तो क्या हुआ? कुछ रिजल्ट आए, बहुत सारे मोबाइल की वेबसाइट्स आई, अमेजोन का भी आया, फ्लिपकार्ट का भी आया, लेकिन ऊपर सबसे स्टार्टिंग के जो 3-4 पॉइंट है वहां पर एड आया, ठीक है। मतलब सर्च इंजन से भी ऊपर कोई ऐसी चीज आती है, वो क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं, जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर पैसा था, वो चाहते हैं कि मेरा अगर रैंकिंग ऊपर नहीं आ रहा है, कम से कम मेरा ऐड तो ऊपर आए, ऐड तो ऊपर ही आता है, तो मेरा ऐड तो आए। तो ऐड अगर आप चलाना जानते हैं, अगर आप ऐड चलाएंगे, अगर आपका रिजल्ट टॉप पे आएगा, तो एक सर्वे के मुताबिक 60% लोग जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं गूगल पे कि एडवर्टाइजमेंट कौन सी चीज है और नॉर्मल रिजल्ट कौन सी चीज है, और वो लोग एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं। और जब वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो जिसका ऐड चल रहा है वो उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, और जब उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसमें से कुछ परसेंटेज लोग अल्टीमेटली वहीं पे अपनी परचेस कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ऐड चला के प्रॉफिट बढ़ा। लोग चाहते हैं कि नहीं अपना ऐड चला के प्रॉफिट बढ़ाना? अगर आपको लगता है यस, तो अगर आप किसी का ऐड चला सकते हैं, तो आपके मार्केट में करियर के स्कोप हैं। अगर आप किसी का ऐड चला के प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, तो आपके मार्केट में करियर के स्कोप हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, माय गॉड, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज ऐसी टर्म है जो लोग इसको एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए तो भी ये टर्म को जानते हैं। गांव गांव का बच्चा जानता है सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया चलाता है ये। टिकटॉक जो अभी बंद हो गया, इसने टिकटॉक ने इतना कंटेंट प्रोड्यूस किया था, इतना सोशल किया था, लोगों को इतना कनेक्ट किया था, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल सब लोग समझ गए। तो दोस्तों, सोशल क्या है एक्चुअली, आप इसकी साइकोलॉजी समझो। एक होता है कि भाई इतना परसेंट डिस्काउंट ये चीज ले लो, इतना परसेंट डिस्काउंट ये चीज ले लो, ये हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप लोगों के विचार बदलते हो, आप लोगों को अवेयर करते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हो, आप लोगों के साथ रिलेट हो पाते हो, और उसके बाद आप लोगों की चॉइस बन जाते हो। और जब आप लोगों की चॉइस बन जाते हो, तब लोग आके खुद वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक अलग टाइप की मार्केटिंग है, जो कि बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होती है अगर वो बहुत ही इफेक्टिवली किए जाए, क्योंकि वो लोगों को इमोशनली इम्पैक्ट करती है। एंड जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, लोगों के जो बाइंग डिसीजंस होते हैं वो इमोशनली ज़्यादा ड्रिवन होते हैं देन लॉजिकली, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इमोशनली कन्विंस कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यू कैन बिकम देयर नेक्स्ट चॉइस। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज गुड इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी फील्ड है, लाइक ईमेल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स आप जैसे देख रहे हैं फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरीके से बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं और उन पर बहुत सारा काम होता है। कंटेंट मैनेजमेंट एंड क्यूरेशन, आप बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग ऑटोमेशन, बहुत सारी चीजें दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो
चीजों को ऑटोमेट करती हैं, पर ये चीजों को ऑटोमेट करने के लिए आपको उनको करते भी आना चाहिए। उनको जब आप करते आता है तो आपका एक अलग फील्ड बनता है जो कि चीजों को ऑटोमेट करने के काम आता है। ठीक है, वेब डिजाइन है, वेब डेवलपमेंट है, कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको डेटाज नहीं पता होंगे तो आप नई स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा क्या चीज मार्केट में चल रही है, मतलब आपकी डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा ऐड चल रहा है, कौन सा ऐड नहीं चल रहा है, लोग एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट पर विजिट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को लोग परचेस कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को लोग एड टू कार्ट तक ले जा रहे हैं पर परचेस नहीं कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को लोग सर्च कर रहे हैं, ये सारे सब डेटा होते हैं। ये सारा चीजें जो है एनालिटिक्स होता है। जब आप ये समझते हैं तो आप चीजों को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाते हैं, आप अपनी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा इफेक्टिव बना पाते हैं। तो उसके अलावा एक और फील्ड होती है बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या बेसिक मोटी मोटी जो फील्ड्स हैं, दैट इज वीडियो एंड ऑडियो प्रोडक्शन, मोबाइल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, कंटेंट मैनेजमेंट एंड क्यूरेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग एंड एडिटिंग, एनालिटिक्स, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इनके अलावा भी और बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन ये कोर फील्ड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आप जिनमें स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। सो दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, मेरे अंदर वो क्या खूबी होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन पाऊं, व्हाट आर द स्किल्स आई नीड टू हैव, आई नीड टू पजेस। तो बेसिकली दोस्तों आई वुड से कि देयर आर यू ऑलरेडी हैविंग सम स्किल्स, यू ऑलरेडी हैव सम स्किल्स। बेसिकली देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पीपल, there are process oriented people, there are creative people, there are management oriented people, and there are technology oriented people. Okay, now let's talk about the process oriented people, people who feel very comfortable in doing same kind of thing again and again. तो उसके लिए उन लोगों के लिए जो है गूगल एड्स है या वेरियस काइंड्स ऑफ जो एड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ये करो ये करो ये करो और एड चलाओ, ये करो ये करो, कीवर्ड सर्च करो, एड्स बनाओ और एड चलाओ, कीवर्ड सर्च करो, एड्स करो, एड्स क्रिएट करो और एड बनाओ। तो ये रेगुलर बहुत ही कॉन्स्टेंट प्रोसेस होती है। जो लोग प्रोसेस ओरिएंटेड है दे कैन हैव करियर इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक क्रिएटिंग एड्स, रनिंग एड्स। नाउ क्रिएटिव पीपल, अगर आप क्रिएटिव हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सोशल मीडिया में क्रिएटिविटी की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं उतना ज़्यादा आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा लोगों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड पीपल। इफ यू आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, इफ यू आर हैविंग गुड लीडरशिप, यू कैन डू वेरी वेल इन डिजिटल मार्केटिंग। लाइक यू कैन मैनेज वेरियस नंबर ऑफ क्लाइंट्स, यू कैन मैनेज वेरियस टास्क, हाउ दोज टास्क शुड बी अलाइंड टू गेट द बेटर रिजल्ट। ओके, यू कैन मैनेज द वेरियस पीपल इन द डिजिटल मार्केटिंग फर्म और एजेंसी, यू कैन मेक गुड प्रोडक्ट, गुड आउटपुट, गुड क्वालिटी आउटपुट। ओके, यू कैन ट्रैक द टास्क। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच मैनेजमेंट ओरिएंटेड पीपल कैन ऑल्सो डू इन द डिजिटल मार्केटिंग। द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पीपल। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पीपल कौन होते हैं, हु आर मोर इंटरेस्टेड इन टू द कोडिंग पार्ट, हु आर मोर इंटरेस्टेड इन टू द चेंजिंग समथिंग वेरी डिजिटल, वेरी टेक्निकल इन टू द लैपटॉप और इन द सिस्टम और इन द सॉफ्टवेयर। दे फील कंफर्टेबल इन गोइंग इन टू द डीप सेटिंग्स, कोर सेटिंग्स, एंड दे कैन मैनिपुलेट द सेटिंग्स, दे कैन हैंडल द सेटिंग्स वेरी वेल। ओके, सो दीज काइंड ऑफ द पीपल हु आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पीपल, दे आर हैविंग ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन टू द डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज दे आर सो मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केटिंग, दे आर सो मेनी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केटिंग विच नीड your good technical skills to operate them effectively. Okay, so here I have told you that there are four types of people, could be process oriented, creative people, management oriented people, and technology oriented people, and all these kind of people can have their own specific field under the digital marketing. So दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं, there is another thing, how to start your digital marketing career, मैं अपना digital marketing career कैसे शुरू कर सकता हूँ, है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई स्टार्ट माय डिजिटल मार्केटिंग करियर। तो दोस्तों इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, दैट बिफोर स्टार्टिंग योर डिजिटल मार्केटिंग करियर यू शुड हैव समथिंग ऑफ योर ओन, यू शुड हैव समथिंग ऑफ योर ओन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव योर ओन ब्लॉग, ओके, और यू कैन हैव योर ओन इंस्टाग्राम पेज, यू कैन हैव योर ओन लिंक्डइन और ट्विटर पेज, you can have your own YouTube handle, you can have your own website, okay?
इससे क्या होगा, इफ यू आर हैविंग दिस थिंग्स बाय योर ओन, यू वुड हैव रियली एक्सपीरियंस्ड हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स इफेक्टिवली, हाउ टू ग्रो दिस थिंग्स इफेक्टिवली. एंड इफ यू आर हैविंग दिस थिंग्स मीन्स इफ यू आर हैविंग समथिंग ऑफ योर ओन लाइक ब्लॉग और वेबसाइट और यूट्यूब चैनल और एनी सोशल मीडिया पेज, you can show those things to the client, to the people that I am managing this and I know how to do this and see my growth. And by seeing your growth, by seeing your effectiveness, by seeing your result, they can give you some work. This is the most important thing. Because अगर आप कहीं interview देने भी जाते हैं तो interviewer भी आपको पूछेगा कि भाई आपको क्या आता है. See, one thing is that you can say that I know this and one thing is that I have done this. If you have done this, that is more important than what you know, because what you know is already available on the Google. If you even don't know, if you even don't know, you can right now search on the Google and you can get the things. But if you know how to do it and if you know how to bring out the result, then that is something makes you different from the other. Okay, so this is something very important. And you can very easily find the job. You can very easily find jobs as I already told in the statistics कि यहाँ पे कितनी सारी requirements चल रही हैं. अगर आप Indeed पे भी ढूंढ सकते हैं, you can find job on Naukri.com, you can find job on Monster.com, you can find job on LinkedIn. Okay, apart from this, you can reach out the people and you can get the jobs, you can get the clients. There are so many people looking for clients, looking for the people who are capable of doing digital marketing. Okay, so let's move on to the next thing. Do you want to know the salary package of the digital marketing guy? Do you want to know the salary package or salaries estimation of the digital marketing? Comment yes in the comment section, please, right now. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है तो आप अभी कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, यस कमेंट कीजिए. मैं आपको बताऊंगा कि कितने सैलरी स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग गाय के. राइट नाउ आई एम लुकिंग इनटू द मोबाइल, आई एम लुकिंग हाउ मेनी पीपल आर सेइंग यस आई वांट टू नो व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग गाय और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन द इंडस्ट्री. व्हाट आर द सैलरी पैकेजेस आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माय इंडस्ट्री, फ्रॉम माय फील्ड. Please comment yes in the comment section. Yes, I can see that Dhruv Panchal, Damini Rathore, Neeta Solanki. Yes, please comment yes if you want to know the salary you can get, salary you can expect from the industry into the digital marketing. Okay, let's move on to the next question. What is the pay package a digital marketing guy usually get? एक digital marketing वाले को कितनी salary मिल सकती है? तो दोस्तों हम शुरू करते हैं. If you are a fresher, you have just passed out or you have just completed your coaching from digital marketing, but one thing, you have something of your portfolio, like you have something of your page, you have done some work on your blog or you have some website, some sort of experience you have took by your own, some sort of work you have done by your own. So let me tell you, there is something. If you are a digital marketing manager, you can get a starting package of 4 lakhs, and In two, three years, you can get up to 10 lakhs, okay? SEO manager, you can get 3 lakhs. In 2 years or 3 years, you can get 7 lakhs per year. Search engine marketing PPC expert, you can get a starting of 3 lakhs. In 1 year or 2 year, you can reach up to 5 lakhs. Web developer designer, you can start with 3 lakhs. You can reach in 2 years by up to 6 lakhs. Okay. Social media manager, 3.5 lakh to 7 lakh. Content writer, if you are having good content writing skills, you are having good convincing writing skills, you can start with your career with 2.5 lakh package of year. 5 lakhs. अब दोस्तों मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ. डिजिटल मार्केट ओवरऑल इट इज अबाउट स्टार्टिंग जो हो रही है 3 लाख के पैकेज से हो रही है एंड यू कैन रीच अप टू 10 लैक्स. But, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, see, one thing very important about digital marketing is, it is purely result oriented, ऐसा नहीं कि मैंने तो ये काम कर दिया, तो ये हो गया, ऐसा नहीं. आपने काम किया, I don't care, result आया क्या, product बिका क्या, lead आई क्या, traffic आया क्या website पे, अगर ये काम आपसे हो जाता है, अगर आप result लाते हो, तो 10 लाख
पर ईयर जो मैं बोल रहा हूँ, जो कि 2-3 साल में है, वो आप 1 साल में भी कमा सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप अभी कमा सकते हो, आपको काम तो आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, इफ यू आर एबल टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट, यू कैन नेगोशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। इट इज हाईली नेगोशिएबल फील्ड। इफ यू आर हैविंग टैलेंट, यू कैन नेगोशिएट एवरीथिंग। नो भाई, आई कैन प्रोवाइड यू दिस रिजल्ट, यू कैन सी फॉर 15 डेज, यू कैन सी फॉर 1 मंथ, इफ यू आर गेटिंग माई रिजल्ट, आई वॉन्ट दिस मच अमाउंट ऑफ पे। Why? Because if they don't pay, somebody else can pay you. Because you can bring the result. Somebody who can bring the result, he can ask for the right amount of the payment and he can get good amount of the salary. ये जो मैं सर्वे बता रहा हूँ, ये तो बहुत एवरेज स्टैटिस्टिक्स है। लेट मी टेल यू, जो लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, 18 ईयर्स 19 ईयर्स ओल्ड पीपल आर अर्निंग 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees पर मंथ जस्ट बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक मैनेजिंग सोशल मीडिया और रनिंग सोशल मीडिया एड्स और रनिंग गूगल एड्स और समथिंग लाइक दैट। So people are earning very good if they can bring results, if they are having testimonials, if they are having project experience. आपने कितने का प्रोजेक्ट किया है, कितने हजार लाख का प्रोजेक्ट किया है, कितने क्लाइंट के साथ काम किया है, that will matter how much you can earn next. So there is something like there is no kind of limitations, but still अगर average बात करें तो हम ये है। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, if you are from the टू टायर सिटी और थ्री टायर सिटी, देन यू कैन योर स्टार्टिंग सैलरी कुड बी अबाउट 10,000-15,000। बट अगर आप बिग सिटी लाइक पुणे मेट्रो सिटीज में है, अगर आप मुंबई अहमदाबाद हो गया दिल्ली हो गया, देन यू कैन इजिली गेट अप टू 20,000 पर मंथ इन द फ्रेशर्स, एज अ फ्रेशर इन द स्टार्टिंग। ओके, और इवन इफ इवन नॉट इन द स्टार्टिंग, आफ्टर 3 months यू कैन रीच अप टू 20,000-25,000। इट इज ईजी टू गेट जॉब एंड इट इज ईजी टू गेट गुड दिस हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। And rest depends on your passion that how much you can improve yourself and how much better result you can bring. You can get more money then. Now the next question is the content writing really important? I am not good at content writing. There are so many people, भाई मेरी English अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी वगैरह वगैरह अच्छी नहीं है, मेरा literature अच्छा नहीं है, मेरी writing skills अच्छी नहीं है, मेरी grammar अच्छी नहीं है, क्या मैं digital marketing में काम कर सकता हूँ? उसमें तो हर जगह कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। You can do work, you can do great lot of work into the digital marketing without having good writing skills because there are some sections which does not require writing skills, like analytics. You need to have skills to judge the data and you need to have skills to analyze the data and bring out some result. If you can run ads, if you can play with the metrics, if you can take the decision from metrics, you don't need to have writing skills. You can do lot of things because you can take the direction, you can plan something, you can have some strategies from the analytics, from the data, from the metrics. Okay, so ye sari cheezon mein writing skills nahi chahiye aur still you can do a good job. Now next question which used to come, I am not strong at technology, I don't know coding and how can I become a digital marketer. मैं कोडिंग नहीं कर पाता हूँ, मेरा मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं सीएस की ब्रांच से नहीं हूँ, मैं आईटी से नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही आर्ट्स से हूँ, मैं तो बहुत ही कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो बहुत ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आप डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप मोबाइल चलाना कैसे सीख गए? हैज समबडी टॉट यू हाउ टू यूज मोबाइल? नो, You just learn it by your practice, you just learn it by your interest, right? The same thing, digital marketing has everything on the internet. You can learn everything from the internet, and if you practice it, you can do it properly. Okay, so this is not a barrier. Agar aap technically strong nahi hai, this is not a barrier. You can still become a very good digital marketer, and you can see there are lot many people who are from the very different non-technical backgrounds and doing very good, pursuing very good career in digital marketing. Now next thing comes, dosto, ki how should I start my career in digital marketing? Aap apna career apna kaise start kar sakte hai digital marketing mein? So let's consider that you have good experience, you know the things, you know how to do the things. So how can you start your career? One thing, you can have your self portfolio like I already discussed. आपका blog होना चाहिए, आपका social media page होना चाहिए, आपकी profiles strong होनी चाहिए. Next चीज आप क्या कर सकते हैं? You can start with internship with some of the firm. You can start internship with any brand or agencies. ठीक है? You can work at the agency. Agency दो type की होती है, small agency and big agency.
दोनों के अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल एजेंसीज में आपको अलग टाइप का काम होता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, और बिग एजेंसीज में थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है काम करने का। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, ओके, एज अ फ्रीलांसर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर करियर एंड यू कैन स्टिल अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय डूइंग वर्क एट फ्रीलांसिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब ऑन द डिजिटल मार्केटिंग जॉब रोल्स, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली यू कैन गेट जॉब इन थ्री कैटेगरी, सॉरी फोर कैटेगरी, ओके। नंबर वन एजेंसी, ओके, यू कैन गेट द जॉब इन एजेंसी। नंबर टू यू कैन गेट द जॉब इन सम पर्टिकुलर ब्रांड, लेट्स से यू स्टार्टेड वर्किंग इन टू द फेविकोल, लेट्स से यू स्टार्टेड वर्किंग इन टू द नाइक, लेट्स से यू स्टार्टेड वर्किंग एट सम कंपनी और इंस्टीट्यूट, दैट इज ब्रांड, ओके। और यू कैन गेट द जॉब एट ई कॉमर्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग ई कॉमर्स वेबसाइट, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर, और यू कैन हैव योर फ्रीलांसिंग करियर। नाउ if you are working into the agency, which I would highly recommend to start your career with the agency. Why? Because agency will be having lot many types of clients, different types of clients. Agencies will be providing you lot many work and you will be overloaded under the agency, but still at the same time you will learn lot many things when you are working into the agency. Next thing, if you're working with the brand, what is the positive point of the working with the brand? That you have to deal with the same kind of people, the same kind of the client, and not very much workload will be there, and it will be quite smooth. You will be getting expert into one kind of industry, but equally you will be ignorant about the different kind of industry. So it will be difficult for you to change the job after working in one brand, because aapko usi type ka hi brand milega, usi type ki industry milegi, to hi aapki job mein maza aayega. लेकिन अगर आप एजेंसी में होते हैं तो एजेंसी में यू कैन इजिली स्विच। नाउ ई कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स में रहते हैं, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ई कॉमर्स वालों का स्टाफ बहुत बड़ा होता है और वहां पे आपको जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, बिकॉज इतना सारा काम होता है डेट यू विल बी एंडेड अप डूइंग वन स्मॉल काइंड ऑफ एक्टिविटी होल डे, ओके। यू विल बी डूइंग सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर द होल डे एंड दैट विल बी द लिमिटेशन विद द ई कॉमर्स। ऑल्सो यू विल गेट द एक्सपोजर डेट हाउ दिस कंपनी रन्स, बट एक्चुअली योर एक्सपीरियंस विल बी लिमिटेड टू द सर्टन काइंड ऑफ वर्क्स ओनली। Now, next question used to come, how to stay updated in the industry, in the marketing, digital marketing industry. आप digital marketing में कैसे updated रह सकते हैं, आप digital marketing में कैसे ज़्यादा जानकारी को हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, it is very easy. You can read the blogs. There are so many good blogs. You can read few of them constantly. Every day, you will get the new knowledge. There are industry experts in the market. There are industry experts of the digital marketing. You can follow their videos. You can watch their videos. You will get to know everything. Every month or every year, there are new tools coming into the market. You use them. You get experience by those new tools. You will get the idea what are the new things coming into the market. Now you can follow the experts on the LinkedIn and Twitter. You will get the idea what they are doing. You will get to updated that what things are coming into the market. You can also look out for the digital marketing news. The digital marketing news will also help you to get up to date about the digital marketing things. So it's not difficult to be updated into the digital marketing. It will require your time and your effort to be updated into the digital marketing. Okay, the next thing is where I can go for hunting a job. So you can easily get the jobs through Indeed. You can easily get the jobs through LinkedIn, Naukri.com, Monster.com and all, etc. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ क्विकली शुड आई शिफ्ट जॉब्स इन द डिजिटल मार्केटिंग एरिया। मतलब अगर आपको एक बार कहीं जॉब लग जाती है तो आप कितनी आसानी से अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग इज दैट आई वुड नॉट रिकमेंड टू स्विच जॉब वेरी सून, बट यस, यू कैन इजिली स्विच द जॉब, बिकॉज इट इज सिंस द डिमांड इज वेरी हाई एंड सप्लाई इज कंपेरेटिवली लो, सो यू विल गेट द जॉब इजली, बट यू शुड स्पेंड वन ईयर और टू ईयर समथिंग, सो दैट यू कैन कंप्लीट सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। Okay, so now I would like to take some questions. If you have commented any questions, I will look into that and I will try to answer them. Okay, so you can still continue writing some of your questions. Okay, Akash Kumar ji ne likha hai ki sir, will e-certificate will be issued for this webinar? To main yahan se ek aur cheez aapko batana chahunga ki e-certificate is not given for this webinar. गुड इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू बाय दिस वेबिनार। एंड इक्वली मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग में
आपकी सर्टिफिकेट उतना मायने नहीं रखता है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका कैलिबर मायने रखता है, आप रिजल्ट ला सकते हो मायने रखता है। अगर आप बोल दो कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास गूगल एड्स का सर्टिफिकेट है, मेरे पास फेसबुक एड्स का सर्टिफिकेट है, नो, कैन यू ब्रिंग द रिजल्ट बाय रनिंग दोज गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, दैट कैन मेक मैटर। एक और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू द डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड इफ यू वांट टू गेट इन टू द डिजिटल मार्केटिंग, देन यू कैन ज्वाइन राय यूनिवर्सिटी MBA इन डिजिटल मार्केटिंग। विद दैट MBA यू विल गेट द मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन द डिजिटल मार्केटिंग, दैट विल बी हैविंग हाई इम्पैक्ट इन टू द इंडस्ट्री, बिकॉज वेन यू आर वर्किंग इन टू द एनी ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑन, यू विल बी हैविंग मैनेजमेंट डिग्री प्लस यू विल बी हैविंग द डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स विच विल बी एक्स्ट्रा एड ऑन टू यू एंड इट कैन गिव यू लिफ्ट, इट कैन लिफ्ट योर करियर एट अ हायर रेट। सो यू कैन अप्लाई फॉर MBA डिजिटल मार्केटिंग इन राय यूनिवर्सिटी, सीट्स आर लिमिटेड, सीट्स आर देयर एंड यू विल गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, देर विल बी सम इंटर्नशिप्स विच फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न द गुड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सम क्वेश्चंस हियर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, विच आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। सो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आप देखो ऑनलाइन आप सीख सकते हो, ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस से सीख सकते हो, आप डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 12th पास हो, अगर आपका कोई ग्रेजुएशन ही चल रहा है, अगर आप इतना टाइम नहीं है आपके पास और आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसमें कहूँगा सबसे पहले अगर आप पैशनेट हो तो आप ऑनलाइन या बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो, अगर आपका विल पावर थोड़ा सा कम है, तो आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इंस्टीट्यूट को ऐसा सेकेंडरी क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग, वो आपसे बहुत सारी फीस ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको उसका 10% ही फीस देना पड़ेगा। यू नीड टू गिव जस्ट 10% ऑफ द फी इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, एंड रेस्ट ऑफ द 90% यू कैन यूज फॉर योर ओन एक्सपीरियंस, फॉर रनिंग एड्स, फॉर प्रैक्टिसिंग वेरियस थिंग्स। बट अगर आप इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा पैसा देके आएंगे तो आप सीखेंगे तो लगभग सिमिलर चीजें, बट आपको फिर एक्स्ट्रा फंड, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट की जो इंडस्ट्री है, आप एडवर्टाइज बिना एडवर्टाइज चलाए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और एडवर्टाइज अगर आप चलाओगे, एड्स अगर आप चलाओगे, तो एड्स चलाने का पैसा तो लगेगा ही, तो पैसा तो लगेगा ही। इसलिए अगर आप इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको थोड़ा कम पैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके फाइन, सो एनीथिंग एल्स रिमेनिंग, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। अजीज ने पूछा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताइए सर। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो प्लेटफॉर्म आप चूज कीजिएगा जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये देख पा रहे हैं कि लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं, क्या रेटिंग्स दिए हैं, अगर आपको वो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, या तो बहुत ही ब्रांडेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा सकते हैं, दैट वुड बी बेटर, बिकॉज देर आर सो मेनी फ्लड ऑफ पीपल हु आर सेइंग दैट आई एम टीचिंग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, बट दे आर नॉट हैविंग दैट ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म, सो दैट विल गिव यू सम प्रॉब्लम, क्योंकि उनका यूजर इंटरफेस उतना अच्छा नहीं होता, तो लर्निंग में प्रॉब्लम होता है। ओके, विच आर द प्लेटफॉर्म्स दैट कैन बी यूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, या आप सर्च कर सकते हैं, देर आर कपल ऑफ वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन देर आर कपल ऑफ गुड प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो है जहाँ से आप सीख सकते हैं। ओके, भाभी की स्क्रीन नीड टू बी 90 degree, वो तो अभी क्या पूरा वेबिनार हो गया आपका 90 degree, इट्स ओके, यू कैन टर्न योर मोबाइल टू वॉच इट। हाउ कैन वी एनालाइज द रिजल्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग, सी देर आर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं ऐसे विच कैन हेल्प यू टू एनालाइज वेरियस रिजल्ट्स, स्पेशली गूगल एनालिटिक्स होता है विच कैन गिव यू वेरी सो मच ऑफ डेटा एंड सो मच ऑफ एनालिटिक्स अबाउट योर एवरीथिंग, अबाउट योर वेबसाइट, अबाउट योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, फ्रॉम वेयर यू कैन एनालाइज योर रिजल्ट्स, एज वेल एज आपका जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है लाइक गूगल एड्स होता है, जो फेसबुक एड्स होता है, इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, इनके प्लेटफॉर्म में इनका खुद का भी एनालिटिक्स होता है जहाँ से बहुत सारे डेटा आते हैं जिनको आप एनालाइज करके नए डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस वेबिनार ओवर हियर। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, यू विल बी आंसर्ड फॉर, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, आई हैव गिवन माय मेल आईडी इनटू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन वेयर यू कैन मेल।
आई होप यू हैव लाइक दिस वेबिनार. यू कैन ऑल्सो रीच आउट एट द राय यूनिवर्सिटी राय बिजनेस स्कूल फॉर MBA इन डिजिटल मार्केटिंग. MBA इन डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी रेयर. यू विल फाइंड वेरी रेयर पीपल हु आर हैविंग डिग्री इन द डिजिटल मार्केटिंग विद MBA. सो राय यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग डिग्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन MBA. And that specialization makes you different from the crowd who are just coming from any institute or who are just coming digital marketing, learning from digital marketing from any online source. If you are there for an interview and if you are having MBA degree with digital marketing specialization and others without having some other degrees, which is not specializing into the digital marketing, this is how you can make your different impact on the interviewer and there are more possibility to get the better jobs, better career. And the better salary packages. So for the inquiry, I have given the link in the description box. You can ask for the inquiry about the MBA and digital marketing. The link is given. Moreover, you can also visit our website www.raiuniversity.edu and you can also contact me for any queries. That my mail ID is already given, abhishek.thakur@raiuniversity.edu. So guys, let's cover up this session over here. Give name of the application for that we can learn. If you write on the Google digital marketing course or digital marketing program, you will get so many things from where you can learn the digital marketing. So thank you so much for listening me for so long. There are average very good number of people who have listened to this webinar, and thank you so much to the Rai University for giving this opportunity for me to giving this platform to interact with the people, to share my knowledge and to help others and to share value to the people. Thank you so much.